हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज सुबह में हम गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेवल 2 वाला, तो बस मुझे घबराहट सी हो रही थी। तो अभी शाम में अनिल इतने ज़्यादा बिजी है ना ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा, तो वो बोल रहे हैं कल चलते हैं रिपोर्ट चेक करवाने के लिए मैडम को। तो मैं बोल रही हूँ नहीं, टाइम निकाल के आज ही चलते हैं, बस थोड़ा ही तो समय लगेगा। मैडम ने बोला है कि आप आ जाना और चेक करवा के चले जाना, तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, घबराहट सी हो रही है ना इसलिए। तो बस मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और वो अभी कॉल में बिजी थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल मैडम के पास अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक करवाने के लिए। पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे इस वजह से, और जैसे ही हॉस्पिटल नज़दीक आता है तो फिर और भी मेरी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और लक्ष्य को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं घर पर ही, तो चलो चलते हैं। लेट हो गए, मेरी मीटिंग है और पता नहीं कितनी देर में मैडम इनकी जांच देख के इनको बताएंगी। चलो तुम चलो भाई, दबाओ बटन। कहाँ जा रही हो, कहाँ जाना है? भगवान जी सब कुछ अच्छा हो, है ना, तभी तो हॉस्पिटल में मंदिर लगाते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है, पता ही नहीं था हमें मंदिर इसीलिए। स्टार्टिंग में डर नहीं लगता मुझे, वहाँ से आने में घर से इतना घबराहट नहीं होती, जैसे पास आती जाती हूँ तो फिर घबराहट होने लगती है। तो अब हम जा रहे हैं मैडम को रिपोर्ट दिखाने के लिए लिफ्ट से, और मैं मैडम से बोल रहा था कि मेरी आज बहुत मीटिंग्स हैं और वैसे भी शाम को बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम कल दोपहर में दिखाने चलेंगे मैडम को रिपोर्ट्स। पर इनको पता नहीं क्या ही था, क्योंकि रिपोर्ट आ गई थी और इनको मन में घबराहट हो रही थी कि जल्दी चलो, पता नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं मैडम को दिखाने के लिए, और मैडम अभी थोड़ा देख रही हैं अदर पेशेंट्स को। और जिस दिन आप लोग चाहो ना कि जल्दी जाना है हमको, जल्दी कोई काम निपटाना है, तो उसमें गारंटी से देर लगती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी मीटिंग शुरू कर दी थी, मीटिंग करना मैंने फ़ोन से ही ज्वाइन करी मीटिंग, कुछ मीटिंग्स मैंने फ़ोन पे ही निपटाई। फिर भी हमारा नंबर आने को रेडी नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट्स पहले से ही थे तो वो बाद में आ रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ लोगों ने पहले दिखा लिया था, और ज़्यादातर लोग रिपोर्ट्स दिखाने ही आ रहे थे। तो यहाँ मैडम इंतज़ार कर रही हैं, और मैं इनको ना कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, अपने आप मैडम सब बता देंगी, जो होगा उसका इलाज होगा। तो ये मानने को तैयार नहीं थी, तो मैं रिपोर्ट पढ़ पढ़ के इनको ऐसे ही दिल को तसल्ली दे रहा था। और वैसे भी ये मुझसे कह रही थी आज मेरा रोने का मन कर रहा है, तो मैं थोड़ा इनकी खींच भी रहा था। और अब हम मैडम को दिखाने के लिए जा रहे हैं, और मैडम देख लेंगी उसके बाद देखो क्या होता है, अभी तो मैडम बहुत टेंशन में है। रो जरा, मुसीबा खोलना एक बार। डॉक्टर को जैसे ही रिपोर्ट दिखाई तो मैडम को डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि वहीं से मैडम की हालत ख़राब हो गई। और मैंने और मैडम ने बहुत कुछ समझाया, मैडम ने भी इनको बोला कि ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैडम को मैंने बोला मैडम इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, आप बताओ अभी इसको दोबारा करवाएं या क्या करें। तो मैडम ने अल्ट्रासाउंड वाली मैडम को फ़ोन लगाया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा मुझे इश्यू दिख रहा है रिपोर्ट में, और कोई भी उस अल्ट्रासाउंड का फ़ोटो भी नहीं है, उसको हम वेरीफाई कर पाएँ, तो आप क्या आपके यहाँ मैं भेज रही हूँ पेशेंट को, और आप इनको कन्फर्म करके बताओ कि ऐसा क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करूँ। तो फिर हम जाके उस अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास पहुँचे, उनको हमने कंप्लेन करी, तो उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने कंफर्म करके बताया कि हाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, ये रिपोर्ट में मिसटाइप हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि मैडम आप एक बात बताइए, इतने पैसे दे के आपसे हम जाँच करवा रहे हैं, और अगर कोई मान लो हार्ट अटैक वाला पेशेंट हुआ या कमज़ोर दिल का हुआ, तो उसको तो इतनी टेंशन हो जाएगी, जैसे हम मैडम रो रही थी, तो किसी को तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो वो कह रहे थे, जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी उन्होंने बोला सॉरी सर हमको पता नहीं था, लेकिन ये नर्स की गलती है, जो भी टाइप किया उन्होंने गलत किया है, जो सुबह डॉक्टर थे उन्होंने जो भी जांच की थी वो सब सही सही बताया था, पर इन्होंने मिस टाइप करके किया। पर मैडम को तब भी तसल्ली नहीं हुई थी, और मैडम बहुत टेंशन में, और इस पूरी प्रोसेस में 2 घंटे लग गए, मुझे मीटिंग भी फ़ोन पर करनी पड़ी सारी, मैं आया था आधा घंटे में रिपोर्ट दिखा के लौट आएंगे, पर इस पूरी प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया। और फिर बाद में जब दोबारा मैडम को दिखा दिया तब मैडम को थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, और हमको बहुत टाइम लग गया था। तो लक्ष्य का भी फ़ोन आ गया था, वो पूछ रहा था पापा इतना टाइम कैसे लग गया, क्या कर रहे हो आप लोग,
तो हम उसके लिए मोमोज लेके जा रहे हैं क्योंकि उसने बोला था कि मुझे भूख लग रही है तो कुछ ले आना। तो हम मोमोज लेके पैक करा रहे हैं उसके लिए और हम घर आ गए हैं। अब इनको अभी भी थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि इनको लग रहा है कहीं मैडम ने मुझे तसल्ली देने के लिए तो नहीं बोल दिया था, और यहाँ आके लक्ष्य को बहुत चिपक के रोने लग गई थी क्योंकि इनको बहुत कुछ इमोशनली इनको बहुत दर्द सा हो रहा था, फीलिंग आ रही थी इनको, पर इनको तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैडम ने बोल दिया, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने बोल दिया, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप इतना टेंशन लेके हो क्या जाएगा। पर नहीं, इनको क्या, लेडीज़ को थोड़ा बहुत देर में समझ में आती है ना चीज़ें तसल्ली वाली। तो मैंने बोला टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मौज करो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो। दो बार रिपोर्ट में कन्फर्मेशन हो गया, दो दो मैडम ने बोल दिया, फिर इतना टेंशन लेके हो गया जाएगा। और आप देख सकते हो ये अभी भी उसी फेज में है, ये किस तरीके से लेटी हुई है, और इनको मैं खाना दे रहा हूँ रात के 12:15 बजे, और ये देखो खाने को रेडी नहीं है। और ये जब से डॉक्टर को दिखा के आई है तब से इनकी शक्ल ऐसी हो रही है। जब से डॉक्टर ने कुछ इनको बोला था कि रिपोर्ट में थोड़ा ये है, और फिर हम दोबारा कंसल्ट कराने गए तब तक ये ऐसा ही मुंह था इनका, और वो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गई वो चीज़, तब भी इनका मुंह देख लो ऐसा ही है। और ये अब मुझ पे चिल्ला रही हैं। हाँ बताओ क्या बात है, बोलो। मैं बोल भी नहीं रही, चिल्ला रहा तो दूर की बात थी। हाँ बताओ क्या बात है, क्यों रोया जा रहा है, क्या बात है बताओ, बता दो जल्दी, रात का समय है, 4 बार थोड़ी पूछूंगा, बताओ क्या बात है। कुछ नहीं है। तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं लगती। अनशन पे क्यों हो? भूख नहीं लग रही है। अनशन पे क्यों जा रहे हो तुम, बताओ। अभी ये मुझसे कह रही थी अब मैंने अनशन कर लिया है, मैंने तो कुछ नहीं, मैंने इनसे पूछा तुम्हारी अनशन की मांग क्या है, तो ये वो बता नहीं रही है, तो अब बताओ मैं कैसे पूरा करूंगा वो मांगे। मैंने कुछ नहीं बोला है? तो अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो, भूख नहीं लगती, झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो ले खाना खाओ फटाफट, उठ जाओ, उठो फटाफट, दवाई भी लेनी है, सुनाई नहीं दे रहा? ले ली दवाई। वो दवाई नहीं, और भी दवाइयां हैं, जल्दी लो, मेरा हाथ हैरान हो रहा है। ये देखो मेरा हाथ परेशान हो रहा है, पर इनको पड़ी नहीं है। देखो कितना बढ़िया प्यारा रायता बनाया मैंने इनके लिए, पर कौन कह रहा है कि उठ के खा ले, उठो फटाफट। तुमने क्या बोला है डॉक्टर के पास? मैंने क्या बोला था बताओ, क्या बोला मैंने डॉक्टर के पास, बताओ क्या बोला मैंने डॉक्टर के पास, क्या बोला बताओ ना, अभी इन लोगों को बताओ तुम, मैंने डॉक्टर के पास क्या बोला था? रोक रही है। हाँ मैंने सही बोला, मैंने कहा जब, देखो एक बात बताओ, जब इनको ठीक है बोला डॉक्टर ने कि ये चीज एबनॉर्मल है, फिर ये वहां पे मुंह इनका उतर गया था, रोने लग गई थी, तो मैंने पूछा कि कोई दिक्कत, क्या दिक्कत, तो कुछ नहीं है, आप एक काम करो वहां जाके दोबारा इसको चेकअप करवा लो, और दूसरी चीज ये कि वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, एकदम से ऐसे कुछ एबनॉर्मल होता नहीं है, पर फिर भी उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, उसका भी इलाज है, वो सही हो जाएगा। अभी ये वहीं से शुरू हो गई, तो मैंने कहा अभी क्यों रो रही हो, अभी पहले हम जा रहे हैं ना रीचेक कराने, और वैसे भी फील करो ठीक है, वैसे भी मैडम ने फील करो ठीक है, तो अब मैडम ने बोल दी कि टेंशन नहीं लेनी है, तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगी, मैडम तो बोल देती है जिससे परेशान ना हो जाए, पैनिक ना हो। अच्छा भले तुम परेशान ना हो, पर तुम्हें परेशानी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं समझोगे। अरे तो अब जब पता है तुम्हें कि मैं नहीं समझता हूं, तो फिर उस चीज पे फोर्स देने की जरूरत ही नहीं है, है? इसलिए तो माँ और बाप दोनों की अलग अलग फीलिंग होती है, बाप की कोई नहीं होती, बाप सिर्फ बाप होता है, है? बापों की होती होगी तुम्हारी नहीं है। अब मेरा हाथ पता है देखो कितने टाइम हो गया, मेरा हाथ हैरान हो गया, मुझे भूख नहीं लगी, उड़ जाओ कालो कालो, अब तो इनको पता है मैंने अपनी कसम दे दी तब भी नहीं खा रही, अब तुम देख लो ये कितना प्यार करती है मुझसे, आज अब इसी जगह पे पता लगेगा। ओ
पे, उसके बाद भी तुम्हें क्या क्या बोला। ये अब अपनी सुनाना शुरू कर दिए इनने, पर खाना नहीं खानी। इन्होंने बोला मैडम से मैं ये शिकायत करूंगा, मैं वो शिकायत। अरे वो तो मैं इनसे मजे ले रहा था, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी मैडम से ये कहूंगा, अब मैं तुम्हारी मैडम से वो कहूंगा। अरे भैया फिर तो इनने लिफ्ट में जो रोना शुरू करा है। मैंने कहा भैया नहीं कहने वाला हूँ, मैं तो तुमसे ही कह रहा हूँ, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। पर इनको एक तो समझ में नहीं आता, इनको यार मजाक समझ में नहीं आती है। मैंने हजार बार मना कर दिया, मेरे से करने की मजाक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर मैं जब करता हूँ तो ये हंस भी जाती हैं, फिर मेरे को समझ नहीं आता है उसी बात पे ये कभी हंसती हैं, उसी बात पे कभी ये रोती हैं। तो मेरे को अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि इनसे बात कौन सी करनी है। मत करो, सो जाओ। ठीक है, नहीं करनी है तो अब खाना खा लो बस। नहीं है। अरे यार उठ जाओ यार, सही ना करे ना करो अब ज्यादा, नहीं कर रही मैं। चलो उठ जाओ अब, बस मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ तो अब इनको क्या है, इनको बुरा ऐसे ही मजाक करता हूँ तो इनको लगता है वो सीरियस। कसम से मेरी उंगली मेरे मतलब इसमें हाथ में दर्द होने लग गया। उठ जाओ प्लीज 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 प्लीज, जितना खाया जाए उतना खा लो फिर रख देना, ठीक है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और क्यों उठ जाओ, पहले जितनी भी बात है मुझसे बोली है। हाँ उनके लिए सबके लिए सॉरी, अब खा लो चलो फटाफट। मैंने ये तो बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ। चलो अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। उस टाइम में इनको मुझे समझाना चाहिए था प्यार से। मुझे बोल रहे थे रो क्यों रही है। हाँ तो सही तो बोल रहा था, रो क्यों रही है, रोने की क्या जरूरत है। चलो वो उठ जाओ, अब उठ जाओ, अब वो बात हो गई, सॉल्व हो गई, सब सही हो गया, क्लियर हो गई। मुझे वही बातें याद आ रही है तो सो जाओगी, भूल जाओगी। चलो उठ जाओ, मुझे पता तुम्हारे दिमाग इतना अच्छा तो है नहीं कि याद रहे। उठ जाओ उठ जाओ। अरे उठो ना यार, मेरा पैर भी हैरान हो गए, मुझे भूख लग नहीं रही है। अरे जितना खाया जाए उतना खा लो फिर सो, ठीक है, नींद आ रही है मुझे। उठो 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 उठो, 1 2 3 स्टार्ट। उठो उठो, हाँ 1 2 क्यों करती है? तुम पैर भी सीधे करो, अब उठो उठो, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो अब खा रही हैं, इनको खाने दो। अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, ठीक है, क्योंकि अब इनका मूड मुझे सही लग नहीं रहा है।